असम की नदी की खूबसूरती ही कुछ अलग है यार। एक मछली नहीं पकड़ा जाता तुमसे? देख ना ये फिश का कलर देख गाइस, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं निकाला है। वाओ देख कितना प्यारा कलर है, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा है भाई। यार ये कलेक्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। ये गप्पीस, जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आए हुए हैं। और तो और ये फीमेल्स भी सारे लोडेड है। ये देखो मैं आपको अंडर वाटर शॉट दिखा रहा हूँ, इनकी क्वालिटी देखो और देख लो पास से। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं एक नए लोकेशन पर जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा है। मैं एक्चुअली जाकर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े फिश थे, तो होपफुली आज हमें मछली मिलने वाले। और मैं आज बड़े फिश की हंट करूंगा, इतना 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 जितना भी मिल सके हम लोग को, क्योंकि बड़े फिश मुझे चाहिए, हमारे पैकेट मॉन्स्टर फिश पॉन्ड में हमें रखना है। तो चलते हैं आगे और दिखाता हूं आपको लोकेशन। लोकेशन बिल्कुल नया है, आप लोग के लिए नया होगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये फिश देखो, बाप रे कितने बड़े बड़े साइज के फिश है। देखो इन सबको पकड़ना है। अब पे ये देख कौन सा फिश है, ये बाटा फिश लग रहा है मेरे को। सब रिवर्स फिश है। ओह माय गॉड गाइस, कैसा लग रहा है बताओ। देखो लोकेशन देखो, कितना बड़ा रिवर है, देखना देखना, इतना अच्छा लग रहा है यार। चल चलते हैं नीचे और पकड़ते हैं। चल पहले तैयार होते हैं, पैंट वगैरह लेकर आया हूँ मैं, और नेट निकालता हूँ पहले। इसमें सारा नेट है, चलते हैं नीचे। ये तो उतर भी गया है गाइस नीचे, तो जाकर हम लोग जो है नेट लगाने वाले हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्लांट्स है, देख पा रहे हो, और अजोला भी है, वो रेड रेड आप देख रहे हो, सब अजोला है। मैं सामने से ना दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या प्लांट्स यहाँ पे है, एंड लास्ट में ड्रोन शॉट भी लेंगे, ठीक है। दोस्तों नीचे आ चुके हैं और आपको दिखाना चाहता हूँ मैं फिश। ये देखो देखो देखो, बाप रे इनका साइज देखो यार, और तेरे कितने सारे एक साथ घूम रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ ना, लेकिन काफ़ी बड़े हैं ये। जल्दी खोल जल्दी खोल। ओ इधर देख, ये देख, ये तो अल्टीमेट गाइस, एक कुबामा का साइज देखो। ये देखो यार ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बहुत रिवर वाव्स है, बहुत, ये सिंगल स्पॉटेड वाले हैं, लेकिन ये कुबामा का साइज देखो, ये मैं उठाने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। एंड अजोला देखो साइड में, अपने ट्रांस भरपूर है। क्या लोकेशन है ब्रो, हो गया रेडी हो गया, बस लगा के चुपके से लगा के आ जा। ये बड़ा वाला है ना? हाँ। गाइस होपफुली कुछ तो मिले यार। ये देखो देखो कैसे भाग रहे, कैसे भाग रहे, देखो एक भी आएगा ना, इनफ है, देखते हैं पहले। आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा अगर होता ना नेट तो सही होता। गाइस नेट लगा दिया है और अब कर रहे हैं हम लोग इंतज़ार, बस थोड़ा इधर आ जाए। ये नेट पूरा ऐसे लगाया हुआ है, बार्ब नहीं चाहिए, बड़े वाले फिश चाहिए जो घूम रहे हैं ना इतने सारे, ये चाहिए। ओए लेके आ लेके आ लेके आ, कौन सा है? देखा, मिल गया रे। वाओ 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 वाओ, क्या बढ़िया साइज, दे 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 दे, दिखा नेट क्या क्या नीचे। वाओ बे, यही वाला फिश घूम रहा है, कितना प्यारा है, देख कौन सा फिश है ये। जल्दी पानी में रखता हूँ, जल्दी जल्दी, बाटा है। वाह दोस्तों, फिश को बकेट में डाल दिया, दिखाने वाला हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है। शायद मैं एकदम लाइव नहीं दिखा पाऊंगा सब, क्योंकि गाइस यार बहुत बिजी हम लोग और बहुत सारे फिशिंग कर रहे हैं। अभी काफी सारा बार्ब से फंसा हुआ है, ये जा रहा है बार्ब्स पकड़ने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये फिश को देखो यार क्या घूम रहे, ये बड़े वाले, ये देखो ये देखो, ये सब घूम रहा है। अभी हमने यहाँ से एक पकड़ा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल फिश है यार। लास्ट तक बने रहिए, दिखाता हूँ क्या क्या फिश हम पकड़ते हैं। सुन वो नेट है ना, तो एक काम कर, जितने भी बार्ब्स फंसे हैं, हमें बहुत सारे बार्ब्स फंसे हैं, उनको स्लोली निकाल के नेट में लेके आ, मैं बकेट में डाल देता हूँ। कितने? छः। बाप रे, और इधर देखा वो देख कितने सारे, बहुत सारे बड़े बड़े साइज के भी है। निकालना स्लोली निकालना, आ रहा हूँ, रुक। निकाला तूने? कितने? छः सात। सात बड़ा वाला भी है। ओ वाव नाइस, सर्वाइव करवाना पड़ेगा इनको। चल दे इधर ला, उठा थोड़ा ऊपर उठा। बाप रे बहुत सारे लेकर आ, बड़े साइज के हैं भाई, बहुत दिन के बाद मिला, दे ऑयस्टर। और भी मिलेगा तो देना। हाँ ये मेरे एक्वेरियम फिश टैंक में है, मतलब रिवर फिश टैंक में है, जिंदा है वो, देख उधर भी एक है शायद। गाइस देखो एकदम भारी वेट है इसमें, अच्छा वाह ये मस्त चीज मिला है। अरे तो उठा ना नेट, उठा देख, निकल जाएगा निकल जाएगा, स्लोली उठा के लेके आ, और नेट को उधर से लगा के हिलाना, ज़्यादा फंस ना जाने तो फिर मर जाएगा यार। गाइस मिल गया, एक और मिल गया, मस्त मस्त साइज है। कौन सा फिश है ये रे? पता नहीं,
बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। लेके आ, तो पैटर्न बहुत अच्छा है। लेके आ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फिश दिखाओ पहले कौन सा है। अब स्लोली घिरो मत, स्लोली आ, दिखा ये फिश, मैंने कभी नहीं देखा ये फिश, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। देख, इसको स्लोली निकालना पड़ेगा। कौन सा फिश है यार, मस्त है। पहले मुझे दिखा, मैंने ये फिश कभी देखा नहीं है रे। ये एक्टिव है, ये क्या फिश हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत है। देख पैटर्न देख इसका, बाप रे, देख डायनासोर जैसा लग रहा है पूरा। ये यूनिक है गाइस, आप लोगों को अगर पता चल रहा है। दांत, अभी ये कहीं ये तो नहीं है, प्लेको टाइप तो नहीं है, प्लेको टाइप ही लग रहा है, इसका दांत भी है। गाइस अगर आप लोगों को पता चल रहा है कुछ भी तो बताना जरूर। देख कैसा ड्रैगन टाइप का है फेस, यूनिक फिश है बिल्कुल। डाल दे, दिखा, चलिए तो कल जैसा ही है, डाल दे। चलो एक मिनट में, रुक अभी इस साइड से, क्योंकि ये फिश देखो इनको पकड़ने के लिए। देखा उधर फिश है, मार मार जल्दी मार। भाई वीडियो क्यों करूं यार, निकल जाएगा तो अगर तूने कहा है ना, अरे इधर देख इधर कहा, नहीं कि निकल गया शायद रे। देख लिखा 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 लिखा, कितना बड़ा है, कौन सा फिश है देख, शायद उनका हम लोग राजा को पकड़ लिया। ओ बाप, लिखा 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 ऊपर लिखा। गाइस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वीडियो ऑफ करता पहले, देखा। ओ बे, ये तो कौन सा फिश है बे, बाटा शायद, बाटा फिश बोलते हैं। ये क्या पूरा हर्ट हुआ है देख, बाप रे कितना प्यारा फिश है, बाटा फिश है क्या, पूरा स्लीपरी है। वही सब फिश जो हमने देखा गाइस, आप लोगों को दिखा, उसमें से एक हमने पकड़ लिया। वाह, अभी दो पकड़ लिया हम लोगों ने, कितना बड़ा साइज। चल इसको पानी में रखते हैं, तो ये डालते हैं यहाँ पे, देखो कितने फिश हो गए हमारे पास। ओ तेरी, ये भी क्या प्यारा फिश पकड़ा था, देख ये अलग अलग फिश है और यहाँ पे सारे बार्ब्स है। चल चल और फिशिंग करते हैं गाइस। देखो यहाँ पे बड़े बड़े फिश को देखो, ये इनमें से हमने एक पकड़ा है, ठीक है। ये सब बड़े बड़े फिश यहाँ पे है, और ये देखो देखो कैसे भाग रहा है, देखो सब भाग रहा है। और यहाँ पे देखो, दिखा ये कहाँ से मिल गया तेरे को, अभी एकदम डेलमेशियन टाइप का है, देख स्पॉटेड है, देखा निकल जाएगा ये एकदम से, पूरा स्पॉटेड है, रख दे जा। तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे गाइस नेट लगा के रखा है, अभी तक इस नेट में नहीं फंसा हुआ बड़े वाले फिश, एक ही फंसा था, और बाकी तो ये देखो देखो क्या चमक रहा है यहाँ पे, बाकी तो हम लोग उसी नेट से पकड़ पा रहे हैं यार, हमारा थ्रोइंग नेट से। एक काम करते हैं, नेट को लेकर आ, यहाँ पे एक भी फंस नहीं रहा है, सबको पता चल चुका है शायद हमने नेट लगाया यहाँ पे, आगे चलेंगे। ये देखना यहाँ पे सब घूम रहे लेकिन इस साइड नहीं आ रहे, मेरे को स्ट्रेंज लग रहा है भाई, यहाँ पे कैसे एक भी नहीं फंसा। बिल्कुल प्रॉपर साइज का नेट था फिर भी नहीं फंसा यार। दोस्तों कर रहे हैं हम लोग लोकेशन थोड़ा सा चेंज, आगे चलेंगे क्योंकि सारे फिश आगे से ही आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा नेट और ये फिशिंग नेट यूज करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कौन सा फिश मिलता है। गाइस ये वाला जो आप देख रहे हो कोबाम्बा, ये अब तक का सबसे मतलब कि जाइंट साइज का लग रहा है यार, सही में। थोड़ा सा क्लीन करना, पहले थोड़ा सा क्लीन कर दो, मेरे को देखना है, एकदम रूट से निकालना, एकदम अंदर से निकालना पड़ेगा। ओ तेरी, बहुत ही खूबसूरत है, दिखा दो मेरे को, बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत टाइम के बाद मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा था। नाइस, इसको अभी कैसे लेके जाएंगे, फिश कहाँ पे डालेंगे, तो ठीक है चल थोड़ा सा और क्लीन कर ले, बहुत बढ़िया क्वालिटी है एकदम। साइज गाइस इसका जो पत्ता है ना बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब कि जाइंट है एकदम, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये देखो अजोला ग्रीन कलर का, वहाँ पे भी है काफ़ी सारा रिवर ग्रास एंड क्या है, बहुत सारे कुछ कुछ है, देखा ये बढ़िया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूर, यानी कि वहाँ जाएंगे, वहाँ पे मुझे कुछ दिख भी रहा है, घोड़ा वगैरह एंड अजोला देखो बिल्कुल रेड कलर का, आगे जा आगे, वहाँ जाएंगे बिल्कुल उस जगह पे। ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी फिश हो सकता है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सच में अच्छा साइज़ मिला है, दो तो मस्त बड़े साइज़ के फिश मिले जिनको मैं अपने मॉन्स्टर बैकयार्ड फिश पॉन्ड पे रखने वाला। दोस्तों देखो मुझे ये दिखाना था, रेड कलर का अजोला, ओ माई गॉड, पूरा ऐसा लग रहा है फूल बिछा हुआ है, क्या कलर है बे। एंड आई थिंक ये रिवर के मनी प्लांट्स है, देखो
ये मैंने काफी सारे कलेक्ट किए थे एक टाइम पर, बहुत सारे यहाँ पे। गाइस देखो क्वालिटी कितना प्यारा है भाई, ये पूरा एकदम रेड रेड कलर के, पूरा रेड अजोला। एंड यहाँ पे बहुत प्लांट्स है, बहुत मतलब यहाँ पे अगर आप आ जाओगे ना आप पूरा प्लांट्स कलेक्ट कर पाओगे। देखो वहाँ पे ये पूरा मनी प्लांट्स लग रहा है ना, मतलब कि ये रिवर वाला कुछ अलग ही है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे हर तरीके के प्लांट्स दिख रहे हैं मेरे को, ऑलमोस्ट पूरा प्लांट ही प्लांट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, आगे चलते हैं, यहाँ चले क्या, यहाँ पे जा सकते हैं। बाप रे ये लोकेशन भी देखो ना, पर कोई मैप लग रहा है, कितना झोला यार, बाप रे। दोस्तों आप लोगों को जू का शेयर करवाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, कितना प्यारा घोड़ा घास चढ़ रहा है, बच्चा है शायद ये, तो खुला क्यों छोड़ दिया रे, पालतू है शायद, कितना प्यारा है रे। ऐसा लग रहा है मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे से हूँ, बड़ा वाला दूर है, चल चलते हैं सामने उसके। ये है वाइट, मस्त लग रहा है बे, अभी घोड़ा नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन सच में मेरे को डोंकी लग रहा है, ये घोड़ा ही है मेरे को, सही में गधा लग रहा है, देख कैसे सुन रहा है वो, पक्का गधा नहीं गधा है ये, देख सच में यार ये घोड़ा ऐसा नहीं होता है जहाँ तक लग रहा है, पता नहीं जो भी है वो, देख वो घोड़ा है शायद। बड़ा कन्फ्यूजन है घोड़ा और गधे के बीच में, एनी वेज आप लोग बताने क्या था, ये घोड़ा था या गधा। दोस्तों फिशिंग करते करते बेर भी खा रहा हूँ, और हर जगह हमारे पे बेर का पेड़ बहुत ज़्यादा है, और ये आप नेचर देखो ना कितना प्यारा है, पूरा खाली खाली, ये सब बेर के पेड़ हैं, कितने पेड़ हुए यहाँ पे, एंड खूब टेस्टी भी है ये, भूख लग रही थी बेर खा रहा हूँ, देखना क्या पके हैं, थोड़ा सा ये हुआ है, ये देखो मीठा भी है, ओ वाह यार एकदम पक गया ये सब, बढ़िया। यहाँ पे बहुत सारे है गाइस, चलते चलते ऐसे लोकेशन पे आ गया हूँ, वाह इतना अच्छा लग रहा है, सुकून दिखाता हूँ। दोस्तों वहाँ से आए चल के ठीक है, और पूरा खुला मैदान है, और इस मैदान के जस्ट बाजू में देखो इतना सुंदर सा रिवर बह रहा है, ओ वाह, पानी भी इतना कम है एंड पानी इतना साफ है, पूरा मेरे को तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का मतलब याद दिला रहा है, बीच बीच में देखो ये पूरा देख रहे हो, वो सब बैम्बू के ट्रीज है, देख पा रहे पीछे, एंड ये लोकेशन देखो कैसे गया है, हम लोगों ने आगे फिशिंग किया हुआ है आगे की ओर, कितने ये रिवर कितने नीचे है और पानी कितना कम हो चुका है, और पानी देखो कितना साफ है, बहुत ही प्यारा लोकेशन है यार, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, एकदम मस्त लग रहा है सही में, पूरा फ्रेश ऑक्सीजन, मज़ा आ रहा है। जल्दी आ भाई, एक बड़ा फिश आया है, बहुत ही देखे 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 देखे, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा है भाई, देख देखा उसी में से मैंने एक पकड़ा है, वाह देखो भाई कितना बड़ा फिश, कितना बड़ा फिश है देखो, अच्छा मिला, चल जल्दी डालता, ये देख यहाँ पे देख यार, बाकी दो है सारे फिश, देखो यार क्या मस्त कलेक्शन हुआ है ना, एकदम बड़ा है, अभी एकदम से पकड़ा है मैंने यहाँ पे, अरे ये बहुत मतलब वीक हो गया है, अरे जल्दी चलते हैं, वाटर पम्प ऑन है ना, देखना ये फिश का कलर देख गाइस, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं निकाला है, वाओ देख कितना प्यारा कलर है, डालता हूँ और दूसरा देख यार, ये बहुत एक्टिव है ये देखो, बाप रे सुपर एक्टिव है ये, अभी देखो ना देखो ये कौन सा फिश है यार, गाइस नाम बताना कौन सा फिश है, वाओ जबरदस्त, चल 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 चलते हैं, जाने से पहले थोड़ा सा ड्रोन शॉट भी हो जाए, घर पहुंच चुका हूँ, एंड
इन सभी फिश को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलो गाइस उठाता हूँ और सीधा डाल देते हैं यहाँ पे सारे फिश को। थोड़ा टाइम लगेगा गाइस एंड ये पूरा एक्टिव हो जाएंगे। देखो मैं बोल रहा था ना, ये देखो कितने बड़े साइज के हैं ये। ठीक है तो इनका पे रहने देते हैं और आता हूँ कुछ मे बी एक दो घंटे के बाद। तो गाइस मैं छोड़ के जा रहा हूँ इनको, एक घंटे के लिए ढक देता हूँ यहाँ पे। अच्छा एक और फिश पकड़ा यहाँ पे, ठीक है लाइक चार फिश है टोटल। मैंने आपको तीन दिखाया ना लास्ट में, वो वीडियो नहीं कर पाया, वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पे चार टोटल फिश है। तो दोस्तों अभी इनको यहाँ पे रख के जाते हैं और आते हैं एक घंटे के बाद। दोस्तों एक घंटे के बाद जा रहा हूँ, नहा धोकर आ रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे फिश बचे ही होंगे, क्योंकि आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि रिवर से जो भी फिश लाऊं मैं उनको बचा ही लेता हूँ, क्योंकि पानी भी मेरा बहुत मतलब कि साइकिल ही रहता है और लाकर एरेशन वगैरह के साथ डालता हूँ। यार बोल तो बहुत रहा हूँ, देखते कहाँ है हमारे सारे फिश। तो ये देखो चारों के चारों फिश बिल्कुल ठीक है और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड टाइप का मतलब फिश लग रहा है मुझे, मतलब रिवर्स हमने पकड़ा हुआ है और एकदम से मतलब जो हमने उस दिन ऑरेंज कलर के जो पकड़े थे ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये काफ़ी वीक लगे क्योंकि मैं जब ला रहा था ना तभी मतलब कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रास्ते में कहीं लुढ़क ना जाए। एनीवेज तो अभी मैं देखता हूँ, एक्टिव तो हो चुके हैं पर फुल्ली एक्टिव होने के लिए इनको पूरा आज का दिन चाहिए रहेगा। ये देखो ये शायद मैंने बाद में पकड़ा था, ऐसे दो है और बड़े वाले दो है, लाइक वहाँ पे जितने भी आपने फिश देखा था उनके ही गैंग में से हमने पकड़ा हुआ है। देखो तो ये थोड़े बहुत हर्ट हुए हैं क्योंकि गाइस क्योंकि स्टोन पे मैंने इस तरीके से मारा हुआ था ना वो थ्रोइंग नेट, तो फिर शायद लगा रहेगा पर आई थिंक इन लोग को अच्छे से यहाँ पे अभी दो तीन दिन के बाद ही एक्टिव हो पाएंगे, उसके बाद ही मैं इनको बैकयार्ड पर मैं छोड़ सकता हूँ। देखो आ गए तीनों के तीनों और एकदम एक्टिव तो है और सर्वाइव तो कर गए, ठीक है अभी कोई टेंशन है नहीं। देखो यार मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नाम मुझे नहीं पता चल रहा है ये फिश का कौन सा है, अगर आप लोगों को पता चलेगा तो बताना। और ये रिवर फिश है पूरा, देखो इनको तो हम कहीं भी नहीं रख सकते टैंक वगैरह में, इनको रखना है तो हमारे मॉन्स्टर फिश पॉन्ड बैकयार्ड में ही रखना पड़ेगा। एनीवेज कम से कम चार फिश तो हम लोगों ने पकड़ा ही है ना, तो इनका मैं अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को, मे बी कल परसों फिर से मैं दिखाऊंगा। कल तो आप देखना अगर मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला ना पूरा एक्टिव रहेंगे ये, और आज अभी मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, खाना वगैरह तो अभी खाएंगे नहीं तो खाने का ही तो टेंशन नहीं क्योंकि रिवर फिश है। और देखो ये थोड़ा हर्ट हुआ यार, ओ माय गॉड सही में इसके टेल वगैरह में बहुत हर्ट हुआ ये बेचारा। नहीं यार और मैं नहीं डिस्टर्ब करता हूँ, एक्टिव है लेकिन डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। चलो ढक के रख देता हूँ इनको, ठीक है अपडेट लेकर आता हूँ जल्दी ही। और तो और ये जो गप्पीज आप देख रहे हो इम्पोर्टेड गप्पीज बहुत ही हाई क्वालिटी है एंड फीमेल्स को भी देखो। तो गाइज ये मेरे पास ऐसे कितने हैं पता है, 10 पेयर्स आए हुए हैं एंड ये फीमेल्स भी देखो कितना ज्यादा एक्टिव है। तो गाइज अगर आप लोग भी परचेस करना है तो मेरा वीडियो देखते रहिए, आ जाएगा बहुत ही जल्दी कि किस तरीके से मैंने इनको ऑर्डर किया और कहां से, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, स्टे ट्यून्ड।